शाहजहां साहब एक दिन यहाँ सामने लेटे हुए थे, सारी अंग्रेजों ने मेरी है। आगरा फोर्ट से ताजमहल दिखता है, तो शाहजहां की जो सेटिंग थी। गुड मानो तो अभी मेरे मुंह पर रैपट मार दिया। ताजमहल से आगरा फोर्ट दिखता है। अजीम कम ऑन टेक अ पिक्चर विद हिम। अभी धारा वो जो भी। तो ये है सामने दरवाज़ा, पहला दरवाज़ा, इसका नाम नहीं पता क्या है, बस हम इसके सामने खड़े हैं अजीम भाई और मैं। और देखिए ऐसे करके, ये देखिए पलटो भाई। अरे अंग्रेज, अंग्रेजन है। शर्म कर ले मेरे भाई, शर्म कर ले कि तूने माइक पे कह दिया अंग्रेजन है, बिना कह देख। है तो है कि तू ये बात है, अंग्रेजन थोड़ी अंग्रेजन है। तो ये आइए, सामने दरवाजा है कोई सा, नाम नहीं पता हमें, लेकिन लेट्स सी विच दरवाजा इज दिस। ओके चलते इस दरवाजे। ये शाहिद है, शाहिद अपने काम पे लगा हुआ है, अपनी कुछ शॉट्स वगैरह ले रहा है। भाई अपने पीछे है क्या, ताजमहल। देखिए हम ताजमहल आ चुके हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ताजमहल की जो सफेदी है ना, सफेदी आंखें चुंदिया गई, आंखें एकदम खिलस गई हैं, खिलस। ये तो काले चश्मे लगा है। ये देखिए अजीम भाई साहब खड़े हुए, और देखिए तमाम लोगों का ये जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। भाई अपने अपने फोटो खिंचवा रहे हैं, दूर दूर देशों के आए हुए, एक देश के तो लग नहीं रहे, कईक देशों के लोग हैं यहाँ पे, ईरान के, और क्या है कि ईरान के, यूनान के, कौन है लोग हर जगह के है ना। जॉनी भैया पोनी भैया सब हैं। तो ये देखिए आप, अब थोड़ा और नज़दीक से आपको ताजमहल देखने को मिल पा रहा होगा, और देखिए धीरे धीरे ऐसे ही ताजमहल के और नज़दीक जाते रहेंगे। ताजमहल खूबसूरत एक इमारत है जो कि आप सब जानते ही हैं। क्यों बनवाया गया था कुछ बताना चाहेंगे अजीम? बस वही था कि जो शाहजहां की जो सेटिंग थी, उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ चाहिए, क्या चाहिए, उन्होंने ताजमहल बनवाया शाहजहां, फिर बोली तुमने मेरे लिए खर्च कराई। अरे सच है ये भाई, मैं झूठ मानता हूँ तो बताऊँगा, जो झूठ मानूँ तो अभी मेरे मुँह पर रैपट मार दियो। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। तो अब हम अंदर जा रहे हैं। देखिए ये है, इसके लिए अलग से 200 रुपए का टिकट लगता है पर पर्सन। तो इसके हम अंदर जा रहे हैं, यानी कि जो इस मकबरे के ऊपर चढ़ना है, अगर आपको 200 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा, वो हमने ले लिया है। तो अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, पीछे शाहिद है। अब यहाँ फिर से टिकट चेक होगा और हम अंदर जाएंगे। या यू कैन इंग्लिश में। सो लेट्स गेट इनसाइड गाइस, देन आफ्टर डेफिनेटली। तो अब हम थोड़ा नज़दीक आ गए हैं इसके, जिसको कहते हैं ताजमहल। इस मकबरे के हम नज़दीक आ गए हैं। ये मकबरा काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है, लगता है कि बहुत छोटा है, ये देखने में लगता है ऐसा, लेकिन असल में 22,000 मजदूरों की लाश पे बन गया है। बस 22,000 मजदूरों की लाश के ऊपर बनाया हुआ ये ताजमहल छोटी मोटी बात नहीं है। देखिए आपको लगता होगा कि ये तो बहुत छोटा सा ताजमहल है ना फोटोज़ में वगैरह में। देखा, मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये भाई, ये मकबरा ही इतना छोटा नहीं है। ये देखिए ये इतनी हाइट आ रही है, इसके ऊपर दिखाओ कितना है। अब वो बात अलग है, मेरी हाइट छोटी है लेकिन फिर भी ये बहुत लंबा है। और नज़दीक से ताजमहल तुम्हें कैसा लगा? ये देखिए नक्काशी देखिए अजीम साहब, इसकी जिंदगी में पहली बार देखा है। वो खरीद ले, नॉन जेड़ा जमीन है तो ले नहीं सकते। तो असल में किराए पर उठेगा नहीं है, तो इसलिए हम ये ले नहीं सकते। देखिए इतना नज़दीक से आप दिखाता हूँ मैं आपको कारीगरी इसकी, नक्काशी, कुछ नक्काशी हुई पड़ी है। ये देखिए इसके, ये देखिए काम हुआ है हर एक चीज़ पे भाई, नक्काशी की कमाल की नक्काशी हुई है भाई साहब। नहीं ये भाई, इसको रगड़ के किया गया है काम, ये सब रगड़ के नक्काशी की गई है। और ये देख इसमें भरे गई हैं चीज़ें, छोड़ देना चाहिए था यार। क्या मजदूरों को, अरे मार दिया पेल दिया उनको। तो ये जो आप नक्काशी देख रहे हैं, ये जो पत्थर के पत्ते मुड़े हुए हैं ना, ये अलग से लगा हुआ पत्थर नहीं है, ये एक संगमरमर के इतने मोटे पत्थर को लिया गया, फिर उसको घिसना शुरू करा गया, घिसना घिसते उनके पत्ते निकाले गए। तो ये पत्थर को घिस घिस के निकाले गए पत्ते हैं। अब जिन मजदूरों ने इतनी मेहनत करके ये बनाया, तो पहले उनको रात भर मारा गया, पहले खाना खिलाया, फिर सुबह में, फिर रात भर उनको मारा गया। 22 मजदूर थे ना, 22,000 44,000 उन पे आदमी लगाए गए उन्हें मारने के लिए, मारा। फिर सुबह बोले जाओ आज़ाद हो, बोले क्या मतलब, बोला ये बताता हूँ, खचाक देना उनके हाथ काट दिए, बोले अब छुट्टी तुम्हारी, जस्टिस फॉर मजदूर, हमें उनकी मजदूरों के लिए इंसाफ चाहिए।
हम यहाँ इसीलिए आए हैं। तो ये जो नवाब लोग थे ना, ये नवाब के जो चौंकाने वाले काम थे ना, ये अक्सर कुछ ना कुछ चीज से हमें चौंका दिया करते थे। जैसे कि एक दिन हुआ क्या, अब आप इसका लॉजिक बताइए कि ये जो नक्काशी पे उर्दू लिखी हुई है, ये उर्दू है या क्या है, बताइए। लग तो उर्दू रही है, ठीक है, लेकिन ये जो भी है इसका मैं नहीं जानता। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि शाहजहां साहब एक दिन यहाँ सामने लेटे हुए थे, अब वो यूं करवट से लेटे हुए थे, तो बोले यहाँ पर कुछ लिखवाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है लिखवा। तो मजदूर लिखने लगे, बोले ना, ऐसे पढ़ कहाँ पा रहे हूँ मैं, ऐसे लेटा हूँ ना, टेढ़ा। बोले ऐसे लिखवाओ टेढ़ा, ऐसे लिखवा, टेढ़ा लिखवाया। अब वो टेढ़ा लिखवाते जा रहे थे, अब इतने में शाहजहां भाई सीधे होके बैठ गए, तो ऐसे लिखवाया। अब इस करवट को लेट गए, देखो अब ऐसे लिखवा दिया। तो शाहजहां भाई ने मजदूरों की वो मलिया मेट करी थी, वो मट्टी पलीद करी थी। हाथ पता है असल कटवाने की वजह क्या थी, वीट वीट ना करते इसके। असल में मंसूबा जो बना रहा था ना, वो आदमी बोल के नहीं बना रहा था, वो लिख के बना रहा था। अब यहाँ पर जो आदमी मंसूबा लिख के बना रहा था, तो उसका हाथ कटवा देंगे, जाहिर सी बात है। तो 22,000 लोगों के हाथ क्यों कटवाए, बोलो क्यों कटवाए, पता नहीं है ना। मंसूबा जो बना रहा था उसके कटवा देने चाहिए थे ना, 22 के क्यों कटवाए। वो डिक्टेशन दे रहा होगा, तो उसे लिख रहा होगा। नहीं, 22 के 22 के हाथ इसलिए कटवाए क्योंकि पता नहीं था कि मंसूबा बना कौन सा वाला रहा है। सबको पहलो अरे देख तू खड़ा है, ये वाले भाई साहब खड़े, ठीक है। तुम दोनों में से मेरे खिलाफ कौन है, मुझे नहीं पता। अब मुझे नहीं पता तो मैं तुम दोनों को मारूंगा ना। और फिर यहाँ से बाहर का व्यू तो आप देख ही सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए कमाल गर्मी देखी, लेकिन बेतहाशा गर्मी ने हालत ख़राब कर दी है। होठ से होठ चिपक रहा है, सूखे होने की वजह से गर्मी है, पसीना टपक रही है। ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये आगरा फोर्ट है। ये आगरा फोर्ट है। आगरा फोर्ट से ताजमहल दिखता है, ताजमहल से आगरा फोर्ट दिखता है, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आगरा फोर्ट है, फिर वहाँ भी जाएंगे हम लोग, तो वो भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। इज़ वेरी शाय, कम फास्ट। Who is Ilya? Yeah. Ilya? And what's your name? Human. Yes. Nice name. And you are? Lulia. Lulia. One tour. Lulia. Okay. Azim, come on. Take a picture with him. I? Abhidhar. Oh, Jovi. Thank you, ma'am. Thank you, teacher. Okay, thank you so much. Where are you from, guys? France. Okay, I'll come there soon. Not decided yet. बाबू आई मिस यू यार। तो दोस्तों देखो, सिंपल सी बात है कि ये सामने आपके ताजमहल है, ये देखो ये ताजमहल, और ताजमहल के राइट में ये मस्जिद, ठीक है, ये मस्जिद है ना, हाँ, एक पता नहीं क्या है, क्या बता के चलेगा। ये जो भी है ये है, हाय बोलो। कैमरे में सारे भाई हाय बोल दो। तो आइए चलते हैं ये ताजमहल की जो राइट साइड वाली बात हुई थी ना, इसके बारे में बात करने और इसको देखने की क्या है। पहले तो इसका नाम है कि मेहमान खाना। ये है देखिए, ये मस्जिद तो क्या ही है, मेहमान खाना। चलें अब से इसको मेहमान खाना मानते हैं, ये है मेहमान खाना। हाँ बढ़िया है, बढ़िया है। और ये हमारे दोनों भाई इधर आ रहे हैं, लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, बढ़िया। और ये देखिए नक्काशी की तो भाई हद है, हर जगह नक्काशी, बात भी है। और ये ताजमहल, और ये मेहमान खाने में मेहमान को आने की इजाज़त ही नहीं है। ये कैसी मेहमान नवाजी हुई बताइए, यहाँ से रेलिंग लगा रखी है, इसके आगे कोई जा ही नहीं सकता, मेहमान तो चैंत जाएगा इस बात पे। भाई तू मेहमान है मान लो एक बार को, और तुझे बुलाया मेहमान खाने में, और यहाँ रेलिंग लगा दी, बोले आगे नहीं जाओगे, तो तू चैंतेगा या बैठेगा। मैं तो शादी में भी ना बैठूं। शादी में नहीं बैठेगा, और ये चाय पिएगा इनके हाथ, होता हो नहीं हो लिफाफा दिया, चाय पिएगा इनके हाथ। मैं तो भाई चाय नहीं पीऊंगा, मैं तो बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक। क्या बचता क्या है फिर, जब तुमने रेलिंग लगा दी थी भाई, तुमने बेइज्जती करी है। ये तो हमारा तो हक नहीं बनता कि हम तुम्हारे हम नई भी चाय पी लें। हाँ बाहर की कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, मेरे सामने जिक्र भी मत करो, बाहर की कोल्ड ड्रिंक मेरे सामने जिक्र मत, कोल्ड ड्रिंक पी लें, कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे। तो ये वाली बात है, देखिए अब देखिए मैं आपको नक्काशी दिखाता हूँ। यहाँ पे दुनिया भरेगा पैसा खर्च कर दिया सिर्फ नक्काशी पे, ये देखिए
हर जगह नक्काशी। ये है गोल्ड कटिंग, डायमंड कटिंग नहीं है, गोल्ड कटिंग है। अब देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर ऐसे बजाएंगे, ठीक है, तो एक भी आवाज़ नहीं आई। इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंसान यहाँ पे आके ताली बजा के या कोई इशारा करके किसी को बुलाता है, यानी वो यहाँ का है ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि यहाँ से आवाज़ आती नहीं है, वो गद्दार है। तो वहाँ से देखो मीनार, दिखाओ मीनार, मीनार ये इसी मीनार से जो सेनापति होते थे, वो तो चलो कमरे में होते थे, मीनार से सेना, जो क्या कहते हैं उसको, सैनिक तीर चलाता था। और सुनो, तीर उसके कान पे से निकल के जो गद्दार होता था वहाँ जाके लगता था। उसकी तुक क्या है? उसकी तुक यह है कि जब वहाँ पे जाकर लगता था तो एक ईंट हट्टी थी और यहाँ से झूमर गिरता था उसके सिर पे, गद्दार के सिर पे। अब बोलो इसकी वजह क्या है? कोई बता दे कि अगर तीर मारेंगे तो खबर फैल जाएगी कि यहाँ जो आया था उसने एक ताली बजाई थी, तीर मारा था, वो मर गया, यानी गद्दार, यानी यहाँ पर सेटअप है। तो गद्दार अगली बार आके अवेयर हो जाता था और झूमर गिराते थे तो सबको लगता था कि एक्सीडेंट है। तो अगली बार तुझे कुछ खिलाता हूँ, जब जब तुझे भूख लगती है ना तो कुछ भी कहता है, मैं जरा ऐसे कुछ खिला दूँ अभी, ठीक है? भाई साहब, मसला ये है कि पानी कितनी इतनी दूर लगा हुआ है ना कि प्यासा इंसान अगर पीने के लिए जाए ना, देखिए अभी भी बहुत दूर से आ रहे हैं हम, पर अभी भी ऐसा है कि प्यास से मर जाएगा आदमी, पानी नहीं मिलेगा उसे। देखो ये गरीब बेचारा अभी गिरेगा, ये गिर जा, अरे अच्छा लगेगा, थंबनेल लगा दूंगा, ओफो देखो गिर गया, अल्लाह इसकी हो जाती है, अल्लाह खैर सल्ला। यार बताओ भाई, गर्मी ने हालत ख़राब कर दी है, लोगों का जमावड़ा रोज़ की तरह बहुत है यहाँ पर। अब यार अच्छा, मुझे लगा कि सामने शायद वो अंग्रेज़न से बात कर रहा है, मेरे अलावा कोई भी अंग्रेज़न से बात कर रहा है, मुझे चल झूठा, सारी अंग्रेज़न मेरी हैं, तुम्हारी हो, मुझसे बस बात कर ले। अच्छा ठीक है ये फतेहपुरी मस्जिद आप देख सकते हैं। तो जिस तरफ फतेहपुरी मस्जिद है उसके इस तरफ है मार्केट, तो इसको कहते हैं कि मार्केट, क्या कहते हैं इसको, मार्केट। ये कौन सी मार्केट है, किसी को पता है? ये बेटा ताजमहल दिखा दो भैया, 50 रुपए। देखिए यहाँ पर दबा के चारों तरफ अंदर आओ, भारत मार्बल स्टोर। लो भैया लो। और देखिए पेठा है, और ये देखिए सब लोग आपको बुलाएंगे यहाँ पर, अलग ही माहौल रहेगा, लोग चाहेंगे आप उनकी दुकान पे आए, लोग चाहेंगे आप उनकी दुकान पे आए। पूरी मार्केट है, सादा पेठा, अंगूरी पेठा, और हर तरह का पेठा यहाँ पर मिलेगा। लोग आपको खचड़ खचड़ के कहेंगे कि भाई कुछ खा लो, पेठा खा लो, ये खा लो, वो खा लो। नहीं, लेकिन कोई नहीं सुनेगा आपकी बात को, ठीक है? नहीं, आप नहीं सुनेंगे किसी की बात को। नहीं भाई, नहीं, बहुत अच्छा कर लिया भाई, ठीक है। माइक वापस मिल चुका है, रिसीवर भी मिल चुका है, और अब हम जाएंगे आगरा फोर्ट की तरफ। उससे पहले कुछ खाएंगे पियेंगे, पेट में कुछ जाएगा, फ़ोन वोन चार्ज करेंगे, फ़ोन चार्ज नहीं है, फिर उसके बाद आगरा फोर्ट जाएंगे, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। थक चुके हैं, हालत ख़राब हो चुकी है, एग्जॉस्टेड मैन, एग्जॉस्टेड। आगरा के लाल किला, मेरा तो दिल ही खुश हो गया, मैंने यहाँ से कहता था अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो गए। लगान में देखो बाजी, लगान में बाजी ने वफा करी है यार, बहुत मजा आ रहा।